कैसे हो आप लोग? सब बढ़िया हो ना? वैसे आज आपको जानकर यह अच्छा लगेगा कि आज का जो क्लास स्टार्ट करने वाले हैं ना, एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करने वाले हैं। और वो बेहतरीन क्वेश्चन क्या है? पहले ये बताओ, क्या आपको पता है मेरा जन्मदिन कब है? भैया ना पता है। आज इसी पर एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन पूछा जाए आप लोगों से। भैया आप अपने जन्मदिन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछिएगा, ये तो बहुत गलत बात है। हाँ जी, यहाँ ध्यान दीजिए, ये जो है वो स्थान है। ये स्थान कौन सा है? ये तो एक व्हाइट बोर्ड का एक छोटा सा हिस्सा है। ना 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 ना, जो मैं कह रहा वो सुनना है। ये जो है ना वो स्थान है जहां पर मैं अपने छोटे छोटे प्यारे प्यारे भाइयों और बहनों को यहाँ पर मैं पढ़ाता हूँ। भैया समझ में आ गया आप कौन सी जगह की बात कर रहे हैं? समझ में आ गया ना? चलो अब यहाँ पर जो है ना, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिसको जिनको ये पता है कि मेरा जन्मदिन कब है, और कुछ ऐसे भी छात्र हैं जिनको नहीं पता है कि मेरा जन्मदिन कब है। होगा ना ऐसा स्टूडेंट? हाँ भैया जी, मतलब इसमें से जो है इस छात्र में, इस घेरे के अंदर वैसा वैसा छात्र है जिनको ये पता है कि मेरा जन्मदिन कब है। मेरा जन्मदिन कब है ये पता है। इस घेरे के अंदर वो छात्र हैं जिनको ये पता है कि मेरा जन्मदिन कब है। मान लो इस घेरे के अंदर 5 स्टूडेंट ऐसा है जिनको ये पता है कि मेरा जन्मदिन कब है। ठीक, चलो बहुत अच्छी बात। ये हुआ भैया का जन्मदिन ना, मैं अपना नाम रख देता हूं। देखो ठीक है, यहाँ पर 5 स्टूडेंट को ये पता है कि भैया का जन्मदिन कब है। ठीक, बहुत अच्छे। और आपका जन्मदिन जो है, मान लो यहाँ पर आपका बहुत प्यारा सा नाम है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ स्टूडेंट को ये पता है कि आपका जन्मदिन कब है। मान लो उन स्टूडेंट की संख्या कितनी है, वो संख्या है 10। अर्थात एक बार फिर से समझना, क्वेश्चन को समझना है, ध्यान पूर्वक समझना है। मतलब इस पूरे कोचिंग में मात्र 5 लोगों को पता है कि मेरा जन्मदिन कब है। कितने लोगों को पता है कि मेरा जन्मदिन कब है? बस 5 लोगों को पता है। ओके, और 10 लोगों को, 10 विद्यार्थी को यह पता है कि आपका जन्मदिन कब है। सिर्फ 10 विद्यार्थी को ही पता है कि आपका जन्मदिन कब है। और 3 ऐसा विद्यार्थी है मेरे कक्षा में, 3 ऐसा विद्यार्थी है जिनको ये पता है कि हम दोनों का जन्मदिन कब है। यहाँ पर वैसा विद्यार्थी आएगा जिसको ये पता है कि हम दोनों का जन्मदिन कब है, तो आपको ये बताना है क्या कि हमारे कक्षा में टोटल कितना स्टूडेंट है, टोटल कितना स्टूडेंट है वो आपको बताना है। कुल छात्रों की संख्या कितनी? भैया जी ये क्या पूछ दिए, हमको कुछ समझ में ही ना आवत है। हाँ एक बार फिर से क्वेश्चन दोहराइए। सुनिए, यहाँ पर 2 महान इंसान की बात की जा रही है, एक हो आप एक दूजा हूं मैं। ठीक है, ये अपने आप को महान इंसान कह रहे हैं, शर्म ना आवत है। सुनिए, एक आप हो एक मैं। अब हमारे कोचिंग में जो है पूरे के पूरे 10 छात्रों को ये पता है कि आपका जन्मदिन कब है। ठीक, और उसी में से 5 छात्रों को ये पता है कि मेरा जन्मदिन कब है, समझना ध्यान पूर्वक। और 3 छात्र ऐसे हैं जिनको हम दोनों के जन्मदिन के बारे में पता है, तो बताना है हमारे कक्षा में कुल कितने स्टूडेंट हैं। भैया जी अब हम बनाए, हम समझ गए हैं आप क्या कहना चाह रहे हैं। सुनिएगा, ध्यान पूर्वक सुनिएगा तो समझिएगा। मान लीजिए इस घेरा का नाम रख देते हैं भी। क्या रख दिए? इस घेरे का नाम रख दिए भी, मतलब नंबर ऑफ भी कितना है? भैया नंबर ऑफ भी है 5, 5 दिया हुआ है। ठीक, और नंबर ऑफ एन कितना है? नंबर ऑफ एन दिया हुआ है 10। मतलब मेरा जन्मदिन 5 लोगों को पता है और आपका जन्मदिन 10 लोगों को पता है। ठीक है, और मेरा और आपका दोनों का जन्मदिन जो है 3 लोगों को पता है। कितने लोगों को पता है? 3 लोगों को पता है। बहुत अच्छे, ये तो समझ में आ रहा है। अब मैं इसी को ठीक करने वाला, सुनिए अब समझना है यहां से, अब मजा आएगा ना। चलिए जी, अब अपने कुर्सी की पेटी को बांध लीजिए। पहले हम लोग एक फॉर्मूले के तरीके से जानेंगे, फिर हम लोग इस वेन ग्राफ के ऊपर आएंगे। यहाँ पर एक छोटा सा हम फॉल्ट रखें, ठीक है। यहाँ पर कुछ गलत है जो मैं अभी नहीं बताऊंगा क्या गलत है, मैं सीधा फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको कैसे निकालना है। सुनिए, अगर हमें टोटल स्टूडेंट की संख्या निकालनी हो, अर्थात यहाँ पर हमको यूनियन निकालना होता है, एक बहुत प्यारा सा फॉर्मूला होता है जो आपको हमेशा ध्यान में रखना है। वो प्यारा सा फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा और समझने का प्रयास कीजिएगा, तो आप खुद ब खुद समझ जाइएगा। अर्थात अगर हमको यूनियन निकालना होगा भी यूनियन एन, अगर इसकी संख्या निकालनी हो तो सिंपल सा
भी का संख्या, फिर इसको एन का संख्या, इसको जोड़ना है, फिर उसमें हम लोग घटा देंगे दोनों के इंटरसेक्शन वाले पार्ट, इसको हम लोग घटा देंगे। अभी हम लोग इसको इस चित्र के माध्यम से भी जानेंगे। पहले आप सिर्फ फॉर्मूले को दिमाग में आने दो, अर्थात इसको जोड़े और इसको घटा दिए, भी इंटरसेक्शन है। अर्थात हम लोग किस प्रकार निकालेंगे कि टोटल छात्रों की संख्या कितनी है, यूनियन किस प्रकार निकालेंगे, सिंपल सा इसको और इसको जोड़ करके और तीन को घटा देना, अर्थात पांच दस पंद्रह, पंद्रह में तीन घटा मेरा कितना हो गया बारह, अर्थात टोटल जो है मेरा बारह छात्र है। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, लेकिन सिर्फ आप फॉर्मूले को समझे, अभी ये नहीं समझो भैया जी बारह कैसे हो गया। अब हम समझने का प्रयास करेंगे, समझिएगा, अब इसको मिटा रहे, अब समझ में आएगा आपको। अब हम इस फॉल्ट को जो गलत इसके अंदर हम लोग लिखे थे उसको जानेंगे। सुनिएगा, पहले ये जानो कि इस बीच वाले हिस्से को मतलब कितने लोगों को, अब मैं सिर्फ पूछूंगा और उसका जवाब आपको देना है। ये बताओ कितने छात्र ऐसे हैं जिनको हम दोनों के जन्मदिन के बारे में पता है, तो बोलो कि भैया टोटल तीन छात्र ऐसे हैं जिनको मेरा और आपका दोनों का जन्मदिन पता है। कितने छात्र हैं? तीन छात्र हैं। बहुत अच्छे, यहां तक में कोई डाउट? अगर डाउट है तो पूछना है। मैंने एक पहला बात बोला कि कितने छात्र ऐसे हैं जिनको हम दोनों के जन्मदिन के बारे में पता है, तो टोटल तीन छात्र हैं, तो हम तीन छात्र बीच में लिख लिए। ठीक, और फिर इस पर आप पूरा ध्यान इसके ऊपर दो, सेकेंड स्टेटमेंट को ध्यान से समझोगे और सुनने का प्रयास करो। कितने छात्र ऐसे हैं जिनको सिर्फ मेरे जन्मदिन के बारे में पता है? कितने छात्र ऐसे हैं जिनको मेरे जन्मदिन के बारे में पता है? तो पांच छात्र हैं, अर्थात इस सर्कल के अंदर वो सब आएगा जिसको मेरे जन्मदिन के बारे में पता है। इस सर्कल के अंदर देख लो ध्यानपूर्वक, अर्थात इस सर्कल के अंदर जो सर्कल आपको दिख रहा है, इस सर्कल के अंदर वो सब आएगा जिसको मेरे जन्मदिन के बारे में पता है। यहाँ पहले से तीन मौजूद है, तो कितना और लिखे जो टोटल पांच हो जाए? तो भैया दो और लिखिए। एक बार मैं फिर से रिकैप कर रहा हूँ, इसको अपने दिमाग में आने दोगे, मैं एक बार फिर से रिकैप कर रहा हूँ। ठीक, मैं फिर से बोल रहा, समझना है। नंबर ऑफ भी का मतलब क्या हुआ? भैया का जन्मदिन पांच छात्रों को पता है, अर्थात इस सर्कल के अंदर जो आएगा उसको जो है मेरे जन्मदिन के बारे में पता है। यहां से पहले से तीन यहां पर छात्र मौजूद है और टोटल पांच छात्र को ही मेरे जन्मदिन के बारे में पता है। तीन पहले से मौजूद है, तो कितना और लिखेंगे जो पांच हो जाए? तो भैया आप दो और लिखिएगा तो पांच हो जाएगा। इसमें कोई डाउट तो पूछना है। सेकेंड स्टेटमेंट हम लोग समझ गए, एक लास्ट समझ लेंगे ना, तो अच्छे ढंग से समझेंगे। ये तो समझ गए, अब कैसे यहां पर दो हुआ? हाँ, तीन और दो मिलके मेरा पांच हो गया। बहुत अच्छा, अगर यहां तक समझ गए हो तो मैं आपको शाबाशी देता। अब तीसरा स्टेटमेंट देखोगे, कितने छात्रों को पता है कि आपका जन्मदिन कब है? तो भैया दस छात्रों को पता है कि आपका जन्मदिन कब है। ठीक, अब दस छात्र देखते, मतलब ये जो सर्कल दिख रहा, इस सर्कल में जितना भी छात्र मौजूद होगा उन सबको ये पता होगा कि आपका जन्मदिन कब है। यहां पर पहले से तीन छात्र मौजूद है, हमको टोटल दस छात्र को ही पता है कि आपका जन्मदिन कब है। यहाँ तीन छात्र पहले से मौजूद है, कितना और छात्र लिखे जो टोटल दस छात्र हो जाए, अर्थात हमको सात और लिखना होगा। इस बात को समझो, एक बार मैं और रिकैप करता, जब पूरा शांत हो जाना है। मुझे पता है चीजें नई है, नया नया चीज है तो थोड़ा सा तकलीफ देगा, अगर आप ध्यान से समझोगे ना तो कुछ तकलीफ नहीं होने वाला, समस्याएं भी नहीं आने वाली। फिर से समझने का प्रयास करो, मतलब टोटल दस छात्र हैं जिनको आपके जन्मदिन के बारे में पता है। ठीक, अर्थात इस घेरे के अंदर टोटल दस छात्र होना चाहिए जिनको आपके जन्मदिन के बारे में पता है। यहाँ पर पहले से तीन छात्र मौजूद है, तो हम सिर्फ और सिर्फ सात छात्र ही ना लिखेंगे जिससे टोटल दस छात्र पहुंच जाए, समझो? हाँ बिल्कुल, अब जो था जैसे था उसको वैसे लिख दें। ठीक, यहां तक में समझ में आया क्या हम लोग किस प्रकार से इसको लिखे? अगर वो समझ जाओगे ना तो सुन लो, इसके बाद से मैं विश्वास दिलाता आपको वेन आरेख में दिक्कत नहीं आने दूंगा, अगर इस बात को समझ गए होगे तो। अब देखो हम यहीं से निकाल सकते हैं टोटल कितना छात्र है, अर्थात इस घेरे के अंदर जितना स्टूडेंट होगा टोटल छात्र मेरा होगा। तो टोटल छात्र कितना है? भी और एन में टोटल छात्र, तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ भी यूनियन एन में, अर्थात भी और एन दोनों मिलाकर के टोटल छात्र कितना है? दो प्लस तीन प्लस सात, दो प्लस तीन प्लस सात कितना हो गया? तीन दो पांच, सात पांच बारह। देखो बारह निकला मेरा, यहाँ पर भी बारह निकला। ये हुआ वेन आरेख से बनाने का तरीका। अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं, अच्छे ढंग से समझ में आएगा। मैं दोनों मेथड से बताऊंगा आपको, ये मेथड भी हम लोग अप्लाई करेंगे
और ये मेथड भी हम लोग अप्लाई करेंगे। ये अलग मेथड है, ये सेकेंड मेथड हुआ, ये आपका फर्स्ट मेथड हुआ। हम लोग दोनों मेथड से बनाने का प्रयास करेंगे और अच्छे ढंग से बनाएंगे, दोनों समझेंगे। इसमें हम लोग सिंपल सा ये फॉर्मूला ध्यान में रखेंगे एक बार, और हम लोग ए और बी के फॉर्म में फॉर्मूले को लिख लेते और उसको आपको याद रखना होगा। नंबर ऑफ ए यूनियन बी, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस ए को जोड़ना है नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, इसमें हम लोग घटा देंगे नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। इससे बनाओगे ना तो समझ में भी आएगा और आसानी से बनेगा, दिक्कत नहीं आने वाला। ठीक है, चलो अब जो है यहां से हम लोग सुन लो, यहां से हम लोग किस प्रकार पढ़ने वाले हैं उसको समझ लो। यहां से हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, यहां से टोटल हम लोग 10 क्वेश्चन करेंगे और विथ लैंग्वेज वाला सवाल रहेगा आपका। मैं बारी बारी से 10 क्वेश्चन लिखने वाला और बताने वाला, उसको पहले आप ट्राई करोगे, मैं समझाऊंगा, फिर आप उसको ट्राई करोगे, फिर मैं बताऊंगा, मिलाऊंगा। ओके, 10 क्वेश्चन के बाद हम लोग सेल्फ टेस्ट स्टार्ट करेंगे। सेल्फ टेस्ट के बाद हम लोग का क्विज के बाद ये क्लास एंड हो जाने वाला है। चलो हम लोग जो है पहला क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है, मैं वीडियो रोक रहा हूं, मैं पहला क्वेश्चन लिखता, फिर मैं आसानी से आपको समझाने का प्रयास करूंगा। ओके, ध्यान से आप सिर्फ क्वेश्चन को देखने का प्रयास करो। जब भी एक सुन लो, एक मैं मूल मंत्र आपको सिखाने वाला आज। जब भी आपका भाषा वाला सवाल आपके सामने आए ना, तो पहले जो है ना उसको समझने का प्रयास करो। जैसे उसको समझ लोगे ना, वो बहुत आसान हो जाने वाला। ऐसा नहीं क्वेश्चन को देखे और डर गए मतलब डर जाओगे तो नहीं बनेगा। ठीक है, अर्थात इसको पहले समझने का प्रयास करो, इसमें लिखा हुआ क्या है, कैसे कैसे क्या कहा जा रहा है। बोला जा रहा है एक्स और वाई दो समुच्चय, तो हम लोग एक साइड में या कहीं पर जो है एक वेन आरेख का प्रयोग करके पहले ये समझेंगे। ठीक, वेन आरेख बनाना सीखो, हम लोग वेन आरेख बनाएंगे, लेकिन इसको हम लोग पहले फॉर्मूले से बनाएंगे। ठीक है, सुनोगे समझोगे, समझ में आएगा अच्छे ढंग से। इस साइड में बनाओ इसको, वेन आरेख को। ठीक है, वेन आरेख को साइड बनाओ, बस समझने के लिए आपको बनाना है वेन आरेख। वेन आरेख बना दिए, बोला गया x और y दो समुच्चय, अर्थात दो समुच्चय है। समुच्चय को हम लोग सर्कल से दिखाते, चलिए x है ये और ये हमारा y, x और y मेरा दो समुच्चय। फिर बोला गया x यूनियन y में 50 अवयव है, अर्थात x यूनियन y इस पूरे एलिमेंट में, x में भी और y में भी दोनों मिलाकर के टोटल 50 एलिमेंट है। अर्थात x यूनियन y में कितना एलिमेंट है, टोटल मेरा 50 एलिमेंट। बहुत अच्छा। फिर बोला गया कि x में 28 अवयव है, ये पूरा x में, यहां से देखिए यहां ये भी शामिल है, ये पूरा भाग देख लो, ये सारा भाग में कितना अवयव है, 28 अवयव है, अर्थात नंबर ऑफ x कितना है, 28। ठीक, फिर बोला गया y में 32 अवयव है, इस पूरा y की, मतलब ये पूरे y की मैं बात कर रहा हूं, देख लो इस पूरे y की मैं बात कर रहा हूं, इस पूरे y में कितना अवयव है, 32 अवयव, मतलब पूरे y में मेरा 32 अवयव है। तो हमको ये बताना है इस बीच वाले पोर्शन में इसमें कितना अवयव होगा, हमें ये बताना है। ठीक है, नंबर ऑफ, इसको हम लोग कहते हैं क्या, x इंटरसेक्शन y, इस x इंटरसेक्शन y में कितना एलिमेंट है, बस हमको वो बताना है। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखोगे दिया हुआ है, या दिया है क्या क्या हमको दिया है, हमको दिया हुआ है नंबर ऑफ x यूनियन y 50 है, अच्छे से लिखो x यूनियन y हमको 50 दिया हुआ है। फिर नंबर ऑफ x 28 दिया हुआ है, नंबर ऑफ x हमको 28 दिया हुआ है, फिर नंबर ऑफ y 32 दिया हुआ है, नंबर ऑफ y 32 दिया हुआ है, और हमको निकालना क्या है, ये निकालना है x इंटरसेक्शन y, अर्थात उसमें कितना एलिमेंट है वो निकालना है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, यहां तक समझ में आया, बोली ठीक। अब सुनिए ना, अब हम लोग इसको निकालने का प्रयास करेंगे नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y, लेकिन हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला जानते हैं, उस फॉर्मूले को पहले पुट करेंगे। तो बोलोगे फॉर्मूला भैया जी तुरंत हम जाना थे, फॉर्मूला एक्स यूनियन वाई का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एक्स प्लस नंबर ऑफ वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये बहुत प्यारा सा फॉर्मूला है, मेरे ख्याल से आप इस फॉर्मूले को बस एक बार देखोगे ना समझ जाओगे, अर्थात नंबर ऑफ एक्स फिर प्लस नंबर ऑफ वाई फिर माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई माइनस नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई। बस इस फॉर्मूले को लिखना है और बारी बारी से वैल्यू पुट करना है। देखो किसका किसका वैल्यू दिया होगा, x यूनियन y का वैल्यू 50 है, इसका वैल्यू 50 दिया होगा, बराबर का बराबर। नंबर ऑफ x का वैल्यू 28 दिया हुआ है, नंबर ऑफ y का वैल्यू 32 दिया हुआ है, माइनस इसका वैल्यू नहीं दिया हुआ, इसका वैल्यू निकालना है हमको। एक काम करेंगे, इसको इधर लेते आएंगे और इसको उधर भेज देंगे, तो इसको इधर लेते आओ, नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y
ये माइनस बराबर इस तरफ आकर के प्लस में कन्वर्ट हो गया और यहाँ पर इस दोनों को ऐड करना है। अच्छा बाद में ऐड करेंगे, पहले लिखो ठीक। 28 प्लस 32 माइनस 32 हो गया, इसको लिख लिए। ये 50 प्लस में था, बराबर किस तरफ गया तो माइनस में हो गया। अब बड़े आराम से हम लोग जो है हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो सॉल्व करो, 28 प्लस 32 कितना होगा, तो भैया 60 होगा। 60 माइनस 50, आराम से 60 में 50 घटाएंगे तो 10 हो जाएगा ठीक है। अर्थात नंबर ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई हमारा 10 निकल गया जो हमको निकालना था। मतलब यहां तक में कोई समस्या हुआ, कहीं भी समस्या नहीं हुआ होगा ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन वो आपको खुद से बनाना है ठीक। सेकेंड क्वेश्चन खुद से बनाना है। अगर नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई में यहाँ पर 55 एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है 55 एलिमेंट है, और वाई में टोटल यहाँ पर 38 एलिमेंट है, और एक्स में टोटल जो है 32 एलिमेंट है, 3, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, हाँ ठीक है। तो हमको ये बताना है x इंटरसेक्शन y में कितना अवयव होगा, अर्थात x यूनियन y में कितना एलिमेंट है 55, यहाँ 55 दिया हुआ है, x में 32 दिया हुआ है और y में 38 दिया हुआ है ठीक। तो आपको बताना है इसका वैल्यू क्या होने वाला। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा, सॉल्व नहीं होगा, ये आपको खुद से बनाना है। यहाँ पर क्या सॉल्यूशन होने वाला वो खुद से बनाना है। ऐसा होने नहीं दूंगा कि आप छाप लो बस काम बन जाए, वो काम आज तो नहीं होगा। आज अगर आप चोरी कर रहे हो ना, मतलब छाप के बना रहे हो, वो पकड़ी जाएगी। इसलिए आपको समझना होगा, सब कुछ अच्छे ढंग से समझ करके अपने आप को निखारना होगा। हाँ भैया हम सीख रहे हैं, बस यही काम करना है, सीखना है, आराम से सीखते हुए चलना है ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा, बिल्कुल सही। तीसरा क्वेश्चन देखोगे, तीसरा क्वेश्चन क्या करना, मान लो यहाँ पर एक्स इंटरसेक्शन वाई है वो आपका दिया हुआ है 13 ठीक है। एक्स इंटरसेक्शन वाई 13 दिया हुआ है, तो आपको जो है एक्स यूनियन वाई में कितना अवयव है वो बताना है। अब आएगा ना मजा भैया जी, अब क्या मजा आएगा। हाँ ऐसे कोई करता है क्या, हाँ ये तो बहुत गलत किया मेरे साथ, मेरे साथ बहुत गलत हुआ भैया, हम आवाज उठाएंगे। अर्थात सुनना है, ध्यान पूर्वक सुनना है, आपको एक्स यूनियन वाई में कितना अवयव है वो बताना है। इसका मैं बनाने वाला ठीक है, इसका मैं बनाने वाला हूँ, और हम लोग इसमें दो मेथड सीखेंगे ठीक। एक हुआ वेन डायग्राम, मतलब वेन आरएफ मेथड, एक हुआ ये फॉर्मूला वाला मेथड, जो आपको आसान लगेगा वो आपको बनाना है। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन करें, पहले खुद से बनाओगे और देखोगे क्या भैया सही बना रहे हैं, और सेकंड मेथड आपको समझना है इसका, देखो कैसे बनाना है, क्या करना है क्या नहीं करना। यहाँ पर दिया हुआ क्या है पहले उसको समझ ठीक है, उसको समझ लोगे फिर बात बन जाएगी। यहाँ पर दिया हुआ क्या है पहले उसको समझ लेते हैं। यहाँ पर एक्स इंटरसेक्शन वाई दिया हुआ है, कितना एलिमेंट है 13 एलिमेंट ओके। फिर दिया हुआ है एक्स में 32 अवयव है, y में 38 अवयव है, y में 38 अवयव, तो बताना है x यूनियन y में कितना अवयव है। सिंपल से हमको ये वैल्यू बताना है, फॉर्मूले में सबका मान पुट करेंगे और आराम से निकाल लेंगे। सेकंड मेथड बनाने में तो और मजा आने वाला है। नंबर ऑफ x कितना है 32 है, 32 लिख लिए, प्लस नंबर ऑफ y 38 है, 38 लिख लिए, माइनस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y 13 है, तो 13 लिख लिए। अब यहाँ पर आपका 70 हो गया ना, 70 माइनस 13 अर्थात यहाँ पर 57 हो गया, ठीक है। अर्थात मेरा x यूनियन y मेरा 57 निकला। बताओ ये तो और आसान था। अब सेकेंड मेथड देखो, सेकेंड मेथड किस प्रकार से हम लोग बनाने वाले हैं, सिर्फ वो देखना है ठीक। पहले तो हम लोग लिख लेंगे क्या हमको दिया हुआ क्या है, हमको दिया हुआ है x इंटरसेक्शन y 13 है, फिर नंबर ऑफ x 32 दिया हुआ, ये तो आपको समझना पड़ेगा क्वेश्चन को देख करके ही, नंबर ऑफ y 38 दिया हुआ ठीक है। अब हमको जो है x यूनियन y इसमें कितना अवयव है वो बताना है। चलिए हम लोग बताते हैं अब क्या करना है। अब हम लोग वेन आरेख खींचेंगे, अब इसी वेन आरेख से हम लोग सब कुछ सॉल्व करने वाले हैं ठीक है। कोई फॉर्मूला नहीं, कुछ झंझट नहीं, सिर्फ वेन आरेख से सारा काम होगा। अब हम लोग यहाँ पर एक्स और वाई दो सेट है, तो दो सेट के लिए हम लोग एक्स और वाई खींच लिए, ये एक्स है ये वाई है। फर्स्ट ऑफ ऑल बनाने का एक प्यारा सा तरीका है, हम लोग पहले इंटरसेक्शन वाले पार्ट को लिखते हैं ठीक है। जो अगर इंटरसेक्शन दिया हुआ रहेगा तभी आप वेन आरेख के मेथड से बनाना तो आसानी से बनेगा, अगर इंटरसेक्शन नहीं दिया हुआ है तो आपको ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, उससे बेहतर है आप सीधा फॉर्मूले से बना लोगे। यहाँ हमको इंटरसेक्शन दिया हुआ था तो हम लोग इंटरसेक्शन के हेल्प से जो है वेन आरेख का मतलब वेन आरेख से बनाएंगे। तो इंटरसेक्शन एक्स इंटरसेक्शन वाई 13 दिया हुआ, इंटरसेक्शन क्या होता है ये बीच वाला हिस्सा होता है। हमेशा जब भी आप वेन आरेख बनाओ तो पहला काम करना है कि जो भी इंटरसेक्शन पार्ट होगा अर्थात जो बीच वाला हिस्सा होगा पहले उसको फिलअप करना है। तो देखो x इंटरसेक्शन y यहाँ 13 है, तो पहले इसमें 13 एलिमेंट है, ये तो समझ गए। उसके बाद देखो नंबर ऑफ x की बात की जा रही है, नंबर ऑफ x में कितना एलिमेंट है भैया, नंबर ऑफ x में टोटल 32 एलिमेंट है, यहाँ पहले से 13 एलिमेंट है
तो और कितना एलिमेंट लिखे जो 32 हो जाए। तो भैया कितना लिखिएगा, 7 तो 9, 9 10, 19 लिख दीजिए भैया, अर्थात 19 और 13 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। देखो तो 20 10 30 तो 32, बिल्कुल। अर्थात फिर से समझना है, नंबर ऑफ एक्स में 32 एलिमेंट था, अर्थात पूरे एक्स के सर्कल में 32 एलिमेंट है, यहाँ पहले से 13 एलिमेंट है, तो 19 एलिमेंट लेंगे तब ना 13 और 19 मिलकर के मेरा 32 पड़ेगा, बिल्कुल सही। अगेन इसको अपना घेर देंगे, जैसे था वैसे कर देंगे। फिर बोला कि नंबर ऑफ वाई मेरा 38 है, अर्थात ये पूरे वाई में कितना एलिमेंट है, 38 एलिमेंट है, और यहाँ पहले से 13 एलिमेंट है, तो कितना और लिखोगे जो 38 हो जाए भैया, 5 फिर 2, अर्थात 25 एलिमेंट और लिखेंगे तो मेरा 38 एलिमेंट इसके अंदर पूर जाएगा। बताओ यहां तक में कहीं कोई समस्या है, कुछ भी समस्या नहीं हुआ होगा। फिर से समझने का प्रयास करोगे, नंबर ऑफ वाई में टोटल 38 एलिमेंट चाहिए, यहाँ पहले से 13 एलिमेंट है, तो और 25 एलिमेंट लेंगे तब मेरा 38 एलिमेंट पूरेगा। अब आराम से इसको घेर देंगे, बस इतना सा ही काम करना था हमको, एक्स यूनियन वाई निकालना है। तो लिखना नंबर ऑफ एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई का मतलब हुआ ये पूरा टर्म, एक्स का पूरा टर्म और वाई का पूरा टर्म, अर्थात इस सबको जोड़ देना है। एक्स यूनियन वाई बराबर 19 + 13 + 25, सबको जोड़ दी। अब जोड़ते हैं, 5 3 8 9 8 17 1 2 3 3 2 5 57, अर्थात यहाँ पर 57 यहाँ पर भी निकला और यहाँ पर भी 57 निकला। ये हुआ आपका वेन आरएफ के मेथड से, ये हुआ आपका फॉर्मूले के मेथड से। बस यहाँ पर एक और काम करना है आपको, जैसे हम लोग एक्स इंटरसेक्शन वाई का काम करेंगे तो हम लोग यहाँ पर इसको यू दिखाएंगे, यहाँ पर एक्स इंटरसेक्शन नहीं है, एक्स यूनियन है, एक्स यूनियन वाई लिखेंगे और यहाँ पर इस तरह कर देंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे हो, हल्का हल्का कर देना जिससे कि अंक दिखे, ओके। चलो इतना सा काम करना, इसी तरह आपको बनाना है। एक और मैं देता आपको, दोनों मेथड से बनाना है, ओके। मैं सिर्फ संख्या का मान चेंज करने वाला, मान लो यहाँ पर 8 एलिमेंट है और यहाँ पर 31 एलिमेंट, यहाँ पर 25 एलिमेंट। अब खुद से बनाओगे तो मैं देखना चाहता आप इसको बना पाते हो या नहीं बना पाते हो, ठीक। ये सब कुछ नहीं है, आपको खुद से इसका एक्स यूनियन वाई का मान निकालना है, अर्थात यहाँ पर आपका 8 एलिमेंट हो गया, यहाँ पर 31 एलिमेंट हो गया, यहाँ पर 25 एलिमेंट हो गया, ठीक। अब खुद से बनाओ, सोचो कैसे बनेगा, क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, उसके बारे में आप खुद से सोचने का प्रयास करोगे, ठीक। इसको बना के दिखाओ, अच्छे ढंग से बना के दिखाओ। ये आपका चौथा क्वेश्चन है, ठीक। हम लोग पांचवा क्वेश्चन लिखते हैं, उसके लिए मैं कुछ देर के लिए वीडियो रोक रहा हूँ, ठीक है। देखो ध्यान से क्वेश्चन को देखो, वहां लाइट पड़ रहा है क्या, 2 3 5, बी का मान 2 3 5 है, मेरे मोबाइल में दिख रहा है, लाइट पड़ रहा है, आप समझ लो वहां पर 2 3 और 5 है। इस क्वेश्चन को जो है ना एक अलग तरीके से हम लोग करने वाले हैं, ये जो कौन से तरीके से करेंगे, हम तो दो ही तरीका सीखे, एक फॉर्मूला का मेथड, एक वेन आरएफ, और उसी में से दूसरा जो तरीका है वेन आरएफ उससे इसको करते हैं, ठीक है। जल्दी सॉल्व होगा, वेन आरएफ क्या करता, उसमें सिर्फ आपको मैक्सिमम दिमाग लगाना होता है, लिखना कम होता है, ठीक है। और फॉर्मूले वाले में दिमाग कम लगाना है, लिखना ज्यादा है, तो हम लोग दिमाग लगा के बनाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग वेन आरेख खींच लेते हैं, पहला नंबर क्वेश्चन के लिए सॉल्यूशन करते हैं, पहले नंबर के लिए हम लोग पहले वेन आरेख खींच लेंगे। पहले लिख लो यू का मान क्या दिया हुआ, अरे लिखना क्या, क्वेश्चन में दिया हुआ ही है ना, फिर भी हम लोग लिख लेते हैं। चलो आप भी क्या याद रखोगे, मेरे भैया कितने बड़े क्या थे, क्वेश्चन छापने वाले थे ना, ध्यान रखना है छोटे। ए का मान क्या है मेरा, 2 है 4 है 6, लिखना कोई जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी हम लोग लिख रहे हैं, सिर्फ आपके लिए लिख रहे हैं। देखो अब हम लोग यहाँ पर वेन आरेख बनाने वाले हैं, सिर्फ वेन आरेख को देखना है, ध्यान पूर्वक देखना है, सारा काम आसानी से बन जाने वाला। ये हमारा क्या है, ये ए है, ये बी है, ये पूरा का पूरा यूनियन है, ओके। यहाँ तक में कहीं कोई समस्या है तो पूछना है। अब देखोगे ए के अंदर क्या क्या है, 2 है 4 है और 6, बी के अंदर 2 है 3 है और 5, दोनों में कॉमन क्या दिख रहा भैया, दोनों में कॉमन 2 दिख रहा, तो 2 को मिटा और कॉमन वाले एरिया में लिख रहा, ठीक। अब यू के अंदर 1 2 3 से 1 से लेकर के 8 तक, तो लिखते हैं 1 आ गया 2 3 4 5 6 7 और 8, सारा का सारा एलिमेंट हम लोग इसमें लिख डाले हैं। अब बारी बारी से हमको प्रूफ क्या करना है वो देखो, हमको प्रूफ करना है ए यूनियन बी का होल डैश बराबर होता है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, हमको ये प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग ए यूनियन बी निकालेंगे, तो निकालते हैं नाउ, देयरफॉर ए यूनियन बी बराबर क्या होगा, ए यूनियन बी को देखो, ए यूनियन बी का मतलब हुआ ऐसे नहीं बनाना है, सुनिए ध्यान से समझिएगा। अब सबके लिए बारी बारी से अलग अलग हमको वेन आरेख खींचना होगा, ये समस्या नहीं है, लेकिन बनाना है इसी तरह, सुनिए। अब यहां पर हम लोग ए यूनियन बी का वेन आरेख खींचेंगे,
यहाँ लिखो ए यूनियन बी, इसका वैनारिक की जो, फिर ए यूनियन बी का हॉर्डेस, फिर यहां पर हम लोग क्या है ये ए यूनियन बी का हॉर्डेस का वैनारिक खींचेगा। जैसे ही हम ए यूनियन बी का हॉर्डेस का वैनारिक खींच लेंगे हम लोग का एलएचएस निकल जाएगा। पता यहां तक में कहीं कोई समस्या है तो पूछने का, यदि कोई समस्या ही नहीं तो पूछना क्या है। एक काम करते हैं, इसी को हम लोग ए यूनियन बी का वैनारिक बना लेते हैं और इसके बगल में इसके डैश का बना लेते हैं तो आसान लगेगा आपके लिए, आप भी कंफ्यूज ना हो। मुझे आपको कम से कम कंफ्यूज करना, ठीक। पहले ए यूनियन बी कौन कौन सा होगा भैया जी, इसके अंदर ये सब एलिमेंट होने वाला, ये सब एलिमेंट होने वाला, जो भी एलिमेंट होगा तो नीचे लिख लेना है। तो ए यूनियन बी बराबर क्या क्या एलिमेंट है, चार है, छह है, दो है, तीन है और पांच। ए यूनियन बी हम लोग निकाल लिए, ठीक है। जैसे ही ए यूनियन बी निकल गया हम लोग तुरंत एल एच एस निकाल लेंगे ए यूनियन बी का हॉल्डेस। देयर फोर एल एच एस बराबर क्या निकालना है हमको, ए यूनियन बी का हॉल्डेस निकालना है तो निकालते हैं। तो फटाफट से एक वैनारिक बनाएंगे, हाँ भैया बना लेते हैं। यहाँ लिखो ए यूनियन बी का हॉल्डेस, आराम से हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। ये मेरा यू हो गया। फिर जानते हैं एक बार, ये सब चीज देखते हैं ना हमको बोर जैसा फील होने लगता है। अगर ऐसा हो रहा है ना तो पहले खुद से बनाने का प्रयास करोगे ना, कहीं भी बोरिंग आपको नहीं लगेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हम लोग फिर से वही प्यारा सा काम करने वाले हैं। पहले हम लोग ए यूनियन बी, पहले जो हम जानते हैं इसको पहले यहाँ छापने का प्रयास, सिर्फ छायांकित मत करना, ऊपर को देखो और नीचे उतार दो। ए है बी है बी है। अब आराम से क्या क्या है, चार है, छह है, दो है, तीन है, पांच है, एक है, सात है और आठ है, उतार लिए। अब बोला गया है ए यूनियन बी को छोड़ करके बाकी सब कुछ लेना है। ए यूनियन बी में इसके अंदर वाला एलिमेंट आ रहा था, अब ए यूनियन बी को छोड़ के बाकी सब कुछ लेना था, इसके बाहर बाहर का एलिमेंट लेंगे। तो देख लो आप बाहर में कौन कौन सा एलिमेंट बचा हुआ है। तो भैया बाहर में तब सिर्फ और सिर्फ तीन एलिमेंट ही है, कौन कौन सा, वन है, सेवन है और एट है। तो यहाँ लिखोगे देयरफॉर ए यूनियन बी का हॉल्डेस बराबर 178, ये हम लोग का निकल गया ए यूनियन बी का हॉल्डेस। अब हम लोग सेकेंड नंबर क्या, ए डैश बी डैश, इसका इंटरसेक्शन निकालने वाले हैं। चलिए हम लोग आर एच एस को सॉल्व करेंगे। आर एच एस को सॉल्व करने से पहले हमको ए डैश निकालना होगा, फिर बी डैश निकालना होगा, फिर उसका इंटरसेक्शन निकालना होगा। तो निकालते हैं, पहले ए डैश निकालो, ये ए डैश का है, ये ए डैश का हो गया, फिर हमको बी डैश निकालना है, ये मेरा बी डैश का हो गया, फिर हमको उसका क्या निकालना है, इंटरसेक्शन निकालना है। आर एच एस निकाल गए, ऊपर में ही दे दो, ठीक है, एल एच एस यही ऊपर में लिख दो, यहीं पर एल एच एस आप लिख दो। एल एच एस निकालने के लिए ये सब काम किए, मेरा एल एच एस यहाँ पर निकल गया। आर एच एस निकालने के लिए पूरा काम करने वाले हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से समझोगे समझ में आएगा, ठीक है। ये ए डैश का फिगर बनाएंगे, हाँ भैया सुन, समझने का प्रयास करो ना, फिर से समझो, मैं एक बार फिर से समझाने का प्रयास करता। ए यूनियन बी का हॉल्डेस था ना, इसको निकालने के लिए हमको ए यूनियन बी निकालना था, फिर ए यूनियन बी का हॉल्डेस निकालना था, तो ए यूनियन बी और ए यूनियन बी का हॉल्डेस निकाल लिए। फिर हमको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है। इसको निकालने के लिए हम लोग पहले क्या निकालेंगे, ए डैश निकालेंगे, फिर बी डैश निकालेंगे, फिर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालेंगे, अर्थात तीन ग्राफ हमको बनाना होगा। तो ए डैश का ग्राफ बनाएंगे, फिर बी डैश का ग्राफ, फिर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का ग्राफ। चलिए तीनों का फटाफट से ग्राफ बनाते हैं, इसमें क्या दिक्कत है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमको छापना सेम है, छायांकित नहीं करना, पहले छाप लो फटाफट से, फिर छापने का बात बोलते हैं, तुरंत छाप लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ए बी ए बी, ओके चलो। अब हम लोग क्या करने वाले, सिंपल सा काम करने वाले हैं, क्या हमको ए डैश निकालना है। पहले लिखो तो चार छह दो, चार छह दो, तीन पांच हो गया, फिर एक सात आठ, इसमें लिखो चार छह दो तीन पांच एक सात आठ, ठीक है। इसमें लिखो चार छह पांच दो, ए पांच कहां से आ गया छोटे, तीन पांच एक सात आठ, बस लिख लिए। अब देखो क्या कर, किसको छायांकित करना है, सिर्फ उसको समझना है। ए डैश बोला गया मतलब ए को छोड़ के बाकी सब कुछ, ए को छोड़ के बाकी सब कुछ, देखो कौन कौन सा पार्ट आने वाला, मतलब ए को छोड़ के बाकी सब कुछ लेना है तो कौन कौन सा आएगा इसमें। तो ए को छोड़ के चार छह दो को छोड़ के तो तीन आएगा, पांच आएगा, एक आएगा, सात आएगा, आठ, सिर्फ चार छह और दो को छोड़ के सब ले लेना है। तो ले लिए भैया जी। अगेन बी डैश की बात की जा रही है, तो बी डैश की बात की जा रही है, तो बी डैश मतलब बी को छोड़ के बाकी सब कुछ, बी को छोड़ के बाकी सब कुछ, देखो कौन कौन सा आएगा भैया, दो तीन और पांच को छोड़ के, दो तीन और पांच को छोड़ के बाकी सब कुछ करना है, तो कर लेते हैं ना, दो तीन पांच मतलब दो तीन पांच को छोड़ के सब कुछ, एक चार छह सात आठ, मतलब एक चार छह सात आठ, लिखो एक चार छह सात आठ, ये सब आ गया। हाँ अब हमको ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश निकालना है,
ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो सिंपल सा, दोनों में कॉमन कौन सा, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट, इस दोनों में कॉमन पार्ट कौन सा है, तो भैया इस दोनों में जो कॉमन एरिया है वो कौन कौन सा है, तीन है क्या, नहीं है, पांच है क्या, नहीं है, एक है क्या, हाँ है, तो एक एरिया मेरा कॉमन है और एक लिख दो यहाँ पे, सात है क्या, हाँ है, आठ है क्या, हाँ आठ है, अर्थात कौन कौन सा एरिया हुआ, ये बाहर का एरिया हुआ, ऐसे भी दिमाग लगाओ ना, समझने का प्रयास करो, दोनों में कॉमन कौन सा दिख रहा है, ये तो खाली ही है, ये भी खाली ही है, क्या ये वाला इधर भरा हुआ है, नहीं भरा हुआ, अर्थात सिर्फ बाहर बाहर कॉमन दिख रहा, अर्थात 178 मेरा कॉमन एरिया है। नहीं समझ में आएगा इसको देख करके, आप समझने का प्रयास करोगे तो समझ जाओगे, सिर्फ बाहर बाहर आपको पेंट कर देना है, अच्छे ढंग से पेंट करोगे, ठीक है, मेरे ख्याल से आप समझ पा रहे होगे, बस इसी तरह बनाना है, अच्छे ढंग से बनाना है। ये आपका आज का ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला, उसके बाद हम लोग सेल्फ टेस्ट करने वाले, सिर्फ सेल्फ टेस्ट। चलो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हम लोग निकाल चुके हैं, अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे क्या कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश और ए यूनियन बी का होल डैश क्या दोनों बराबर है, तो हाँ दोनों बराबर है, हेंस अतः क्या हो गया, ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये निकल गया। बताओ कहां पर समस्या आया आपको, ये बोलने का प्रयास करोगे कहां पर समस्या आया, ये कहीं पर समस्या हमको नहीं आया। अच्छा अगर ऐसा बात है ना, मैं एक क्वेश्चन दे रहा, छठा नंबर क्वेश्चन, वो क्या समझने का प्रयास करोगे, यहाँ पर अब जो है ना ये दो नहीं है, यहाँ पर तीन है, बस तीन, बस एक ही चेंज मैंने किया हुआ है और यहाँ पर सात तक ही आएगा आपका। चलो अब मेरे ख्याल से आप बनाओ तो देखते हैं आप बना पाते हो या नहीं, क्या इस तर्ज में ये पहला नंबर, दूसरा भी छोड़ दो, दूसरा अभी बताएंगे, पहले ये पहला नंबर को सॉल्व करने का प्रयास करो, क्या सच में ये मेरा दोनों बराबर होता अगर हम लोग यहाँ पर तीन लेते हैं तो, पूरा सब कुछ चेंज कर देना है। भैया जी मैं मिटा दूं, भैया जी क्यों मिटा रहे हैं, ऐसा क्या गलती हो गया जो आप मिटा रहे हैं, हम उसको देख के छापेंगे ना, गलत बात, यहाँ क्वेश्चन चेंज हुआ आंसर भी चेंज होगा आपका, ठीक है, पूरा यहाँ से यहाँ तक पूरा चेंज करोगे आप, ठीक, ये आपका बन गया होगा छह नंबर, हम लोग सात नंबर की तरफ चलते हैं। सात नंबर क्वेश्चन क्या है समझने का प्रयास करोगे, सात नंबर ये यूनियन का हम लोग प्रूफ किया ना, अब हम लोग इंटरसेक्शन वाला प्रूफ करेंगे, बस एक लास्ट प्रूफ करेंगे फिर खत्म। ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश, ये प्रूफ करना है हम लोग को, ए यूनियन बी, ए डैश यूनियन बी डैश होगा। अब ध्यान से इस प्रूफ को आपको देखना है, ठीक है, तत्काल मैं दो मिनट में आता, आप इसको बनाने का प्रयास करोगे, ठीक है, मैं तुरंत आ रहा हूं, इसको अच्छे ढंग से बनाओगे एकदम बे, मतलब आपको डरना नहीं है क्वेश्चन से, बनाना है बस, बनाओ इसको। क्या बन गया आपसे भैया जी, क्या बनाना था इसे, इसको बनाया था, अरे भैया जी क्या ही बोल रहे हैं आप, हम फिर से वही करेंगे, LHS मतलब A इंटरसेक्शन B निकालेंगे, अरे सुनो यही चित्र, यही चीज है, सेम यही चलेगा, मतलब हमको LHS निकालना है, ठीक है, 1, 2, 7 तक है, इसमें 3 है, इसमें 2, 3, 5 है, ठीक है, अब देखो हमको कैसे निकालना है वो समझ लो, ठीक है, वो समझने का प्रयास करो, समझ जाओ, सिर्फ समझ लो ना, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होने वाला। देखो LHS यहां देखने का प्रयास करो, समझ जाओगे LHS के लिए हमको क्या क्या करना है, हमको निकालना है A इंटरसेक्शन B का होल डैश, A इंटरसेक्शन B का होल डैश निकालना है। इसको निकालने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग A इंटरसेक्शन B निकालेंगे, फिर A इंटरसेक्शन B का होल डैश निकालेंगे, बस इतना सा काम कर लेंगे, फिर RHS की तरफ आएंगे, A डैश यूनियन B डैश निकालना है, क्या निकालना है, A डैश यूनियन B डैश निकालना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले A डैश निकालेंगे, फिर B डैश निकालेंगे, फिर A डैश यूनियन B डैश निकालेंगे, बस यही तीनों काम करेंगे, हम लोग का प्रूव हो जाएगा। तो करते हैं, ठीक, पहले A इंटरसेक्शन B निकालें, क्या निकालेंगे, पहले A इंटरसेक्शन B, चलो हम लोग A इंटरसेक्शन B निकालते हैं, सिर्फ छायांकित भाग को अलग करेंगे, ठीक है, लेकिन पहले चित्र भी चेंज होगा, हाँ भैया चित्र चेंज होगा, वो चित्र क्या चेंज होगा समझने का प्रयास करो, A के अंदर 3, 4, 6 है, A के अंदर 3, 4, 6, ठीक, 3, 4, 6, B के अंदर 2, 3, 5 है, 2, 3, 5, दोनों में कॉमन क्या दिखा, 3 कॉमन दिखा, 3 को हटाओ यहाँ 3 लिखो, बस यही चेंजेस होने वाला, और 1 से लेकर 7 तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, 8 नहीं है, बस इतना सा चेंज होगा, सब में चेंज होगा। अब देखो A इंटरसेक्शन B की बात की गई है, तो ये बीच वाला पोर्शन हो गया, सिर्फ और सिर्फ 3 आने वाला, और कुछ नहीं आएगा A इंटरसेक्शन B में, सिर्फ और सिर्फ 3 आएगा, ठीक, अगेन A इंटरसेक्शन B का होल डैश लेना है, तो 3 को छोड़कर बाकी सब कुछ लेना है, इस 3 को छोड़कर बाकी सब कुछ 1, 2, 4, 6, 5, 7 सब कुछ ले लेना है, सिर्फ 3 को छोड़कर लेना है, हाँ भैया ऐसा बात है, तो तुरंत हम ले लेते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुरंत हम लोग ले लेते हैं, क्या करना है, इस 3 को छोड़ के बाकी सब कुछ लेना है, ओके भैया ये मेरा A हो गया, ये मेरा B हो गया, इसमें मेरा 3 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 1 आएगा, 7 आएगा, इस 3 को छोड़ के बाकी सब कुछ, डॉट डॉट कर दो सब, ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है, हल्का हल्का कर दो ना, बाकी सब कुछ समझ में आ जाएगा, सिर्फ इसको देख के बनाना बन जाएगा।
देखो तीन को छोड़ के बाकी सब कुछ लेना है, किसमें लेना है, ए इंटरसेक्शन बी के हॉल डेस में, है ना। ए इंटरसेक्शन बी का हॉल डेस मतलब इसको छोड़ करके बाकी सब कुछ लेना है, ए इंटरसेक्शन बी का हॉल डेस। निकालते हैं क्या क्या लेना है तीन को छोड़ करके, तो कौन क्या क्या हो गया, तीन को छोड़ो, एक दो चार पांच छह सात, एक दो चार पांच छह सात, तीन को छोड़ के बाकी सब कुछ ले लिए। बस यही काम इधर भी करना है, मेरा काम कंप्लीट। ए डैस निकालना था तो ए डैस निकाल लिया, लेकिन नंबर यहाँ चेंज होगा, यहाँ पर तीन आएगा बीच में और यहाँ पर दो आएगा, ठीक। ए डैस निकला हुआ है, बी डैस निकला हुआ है, ए डैस बी डैस निकल चुका है। हाँ भैया, ए डैस और बी डैस निकल चुका है, मतलब चार छह तीन को छोड़कर बाकी सब कुछ, अर्थात यहाँ पर दो आएगा, यहाँ पर भी तीन दो पांच को छोड़कर बाकी सब कुछ, अर्थात अर्थात यहाँ पर तीन दो पांच को छोड़ के बाकी सब कुछ, एक सात आठ चार छ, एक सात आठ चार छ, ये तो बिल्कुल सही है। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल सही नहीं होगा, बिकॉज सिर्फ इस बी वाले में चेंजेस हुआ है, ठीक। चलो बहुत अच्छे, अगेन यहाँ पर क्या करना हमको, देखो यहाँ पर ए डैश निकालना था, ए डैश निकल चुका है, फिर बी डैश निकालना था, बी डैश निकल चुका है, फिर हमको ए डैश यूनियन बी डैश निकालना था, तो निकालते हैं ए डैश यूनियन बी डैश को पूरा आटा। मैं बोल रहा हूँ बार बार, आपको अपना ध्यान यहाँ लगाना ही पड़ेगा, तब जाकर के ये चैप्टर आपके पल्ले पड़ेगा। वैसे भी बहुत आसान है, उतना भी हार्ड नहीं है जो कि आप इतना परेशान हो रहे हो, बहुत आसान है। ए डैश यूनियन बी डैश निकालना था। हाँ भैया, ये मेरा ए है, ये मेरा बी है, सिर्फ सोचो क्या पेंट करोगे आप, ठीक है। भैया मेरे पास पेंट करने का कुछ है ही नहीं, प्लस प्लस कुछ है ही नहीं, तो हम पेंट क्या करेंगे, कलम से ही कर दो ना पेंट। देखो यहाँ पर ए डैश और बी डैश में दोनों में कॉमन, मतलब कॉमन नहीं है, आपको यूनियन लेना था ना, दोनों को मिला दो तो क्या होगा। पहले हम लोग यहाँ लिख लेते हैं, उसके बाद इसमें मतलब पेंट करने वाले हैं। ए डैश यूनियन बी डैश निकाला है, इसको देखो निकाला है ना, हाँ भैया निकालना है, चलो निकालते हैं। इस दोनों में दोनों को मिला के लिख दो, पहले इसको लिखो दो पांच एक सात आठ, दो पांच एक सात आठ लिख दिए, फिर इसको लिखो एक चार छह सात आठ, एक चार छह सात आठ, दोनों में जो कॉमन है इसको मिटाओ, एक कॉमन मिटा दिए, और कोई कॉमन दिख रहा भैया जी, और कोई कॉमन सात दिख रहा, सात मिटाओ, आठ कॉमन है आठ को मिटाओ, और कोई कॉमन नहीं है, बस ये मेरा यूनियन निकल गया, ठीक है। अब इसको चित्र के द्वारा, मतलब चित्र के द्वारा इसको हम लोग दिखाते हैं, देखो कैसे दिखाना है, चार छह तीन दो पांच, ठीक है। हाँ यहाँ देखोगे हम लोग किसको किसको छोड़ने वाले हैं, भैया जी इसमें जो है ना, आप देखिए दोनों को मिलाने के बाद इतना तो हम समझ में आ गया कि इसमें तीन नहीं है, देखो तीन और तीन दोनों में नहीं है, इस तीन को छोड़ करके ये एरिया यहाँ पर है और ये एरिया यहाँ पे है, था सब कुछ होगा लेकिन तीन नहीं होगा, मतलब सब कुछ होगा लेकिन तीन नहीं होने वाला, ठीक है, तीन नहीं होने वाला, बाकी सब कुछ होने वाला है इसके अंदर, तो तीन को छोड़ के बाकी सब कुछ लिख लेने का। अब देखो इसको देखो और इसको देखो, दोनों आठ कहाँ से आ गया, पहली बात आठ तो लिए ही नहीं है हम लोग ना, हम लोग सात तक ही लिए छोटे, अर्थात आठ नहीं होगा, ठीक। देख रहे हो ना क्वेश्चन चेंज करने का कितना तकलीफ होता। हाँ भैया तकलीफ तो होता, देखो दो पांच एक सात चार छह, दो पांच एक सात चार छह, दोनों बराबर हो रहा है, अतः क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी का होल डैश बराबर हो जाएगा ए डैश यूनियन बी डैश, मेरे ख्याल से बन जाएगा आपका, बहुत आसानी से बनेगा। इसका आठवां नंबर क्वेश्चन आप बनाओगे सेम, इसके लिए मैं चेंज कर देता हूं, ठीक है, इसको अच्छे ढंग से पहले उतार लो, फिर आपको इसका आठवां नंबर क्वेश्चन बनाना है। बस आठ क्वेश्चन ही हम लोग लेने वाले, इसमें बस आप आठ को ऐड कर दो और यहाँ पर फिर से दो रख दो, मतलब पिछला क्वेश्चन आपका आ गया, ठीक है, जो पिछला क्वेश्चन हम लोग बनाए थे ना सेम वही क्वेश्चन आ गया, एक बार फिर से आप ट्राई करोगे बनाने का, मेरे ख्याल से आप बना पाओगे। सेम वही फंडा करना है, एलएसएस निकालना है, फिर आरएचएस निकालना है, बन जाएगा, बहुत आसान है, उतना हार्ड नहीं है, सिर्फ चित्र बनाने पर ध्यान दोगे ना, बहुत 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 आसान होने वाला। चलो हम लोग अपने आप सेल्फ टेस्ट की तरफ बड़ी तेजी से अग्रसर होते हैं। सेल्फ टेस्ट में क्या करने वाले हैं पता है आपको, देखो आज जो सेल्फ टेस्ट होगा ना उसमें थोड़ा दिमाग कम लगाना है आपको, मैक्सिमम आपका रिवीजन होने वाला सेल्फ टेस्ट में, आगे आज कुछ नहीं सीखने वाले, आज इतना सा ही आपके लिए डाइजेस्ट करने में बहुत तकलीफ हो सकता, इसलिए आपको और मेहनत करना होगा समझने में, वेन आरएस को समझने में थोड़ा ध्यान देना होगा आपको। चलो हम लोग कुछ क्वेश्चन लिखते हैं सेल्फ टेस्ट का। सेल्फ टेस्ट में आज हम लोग ज्यादा क्वेश्चन तो नहीं लेंगे, सिर्फ 20 क्वेश्चन ही लेने वाले हैं, तो अच्छे ढंग से 20 क्वेश्चन को आप देखोगे। भैया आप बोल रहे 10 क्वेश्चन तो दिया, 8 क्वेश्चन, अब बोल रहे हैं 20 क्वेश्चन दीजिएगा, कितना क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन। अरे नहीं छोटे, जो मैं बोल रहा हूँ ना वो मैं कभी कभी करता हूँ, ठीक है। चलो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से देख लो क्वेश्चन को। सेल्फ टेस्ट का क्वेश्चन एकदम आसान होने वाला, सिर्फ आपको दिमाग लगाना है। भैया अभी आप बोले थे कि दिमाग कम लगाना होगा, मतलब कुछ भी दिमाग बिना दिमाग लगाए मैथ बनाओगे, ना 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 ना, ये नहीं हो सकता छोटे, यहाँ ध्यान दो। अभी हम लोग सिर्फ और सबसेट और डज नॉट सबसेट, इस दोनों सिंबल का ही प्रयोग करने वाले, सिर्फ सबसेट और डज नॉट सबसेट,
इस दो सिंबल का प्रयोग करेंगे। देखो सबसेट में दोनों बगल मेरा सेट होना चाहिए, क्या ये सेट है, क्या ये सेट है? भैया ये सेट नहीं है, जब सेट ही नहीं है इधर तो ये सबसेट होगा ही नहीं, दोनों तरफ मेरा सेट होना चाहिए सबसेट होने के लिए। तो यहाँ पर डज नॉट सबसेट का प्रयोग करोगे, क्या ये सेट है, क्या ये सेट है? हाँ भैया फाई एक तरह से सेट है, इसको हम लोग ये बोल सकते हैं। जब सेट हो जाएगा ना तो अंदर का एलिमेंट देखेंगे, क्या इसके अंदर का एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है? तो हाँ भैया जी यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब फाई एलिमेंट मौजूद है। मतलब क्या हम लोग जानते हैं फाई का मतलब हुआ उसके अंदर कुछ भी एलिमेंट नहीं है, कुछ भी एलिमेंट नहीं है इसके अंदर मौजूद है, कुछ भी एलिमेंट के अलावा दो तीन चार भी मौजूद है, अर्थात फाइ सब एलिमेंट का सब फाइ जो है किसी भी सेट का सब सेट होता है। ये हम लोग पढ़े हुए हैं। यहाँ देखो पहली बात दोनों बगल सेट होना चाहिए, तो दोनों बगल सेट है ठीक, तो ये फाइ जो है इसके अंदर मौजूद है, तो भैया नहीं फाइ मौजूद नहीं है, यहाँ पर फाइ रहेगा तब जाकर के ये इसका सेट होगा, फाइ मौजूद ही नहीं है, या तो फाइ रहे या तो इस तरह का टर्म रहे, है ही नहीं, जब है ही नहीं तो ये सबसेट नहीं होगा ठीक है। हम लोग एलिमेंट को चेक करते हैं सबसेट के लिए, दोनों बगल सेट है, हाँ सेट है, तो अंदर का जो साथ है वो साथ इसके अंदर कहीं पर मौजूद है क्या? तो भैया साथ कहीं पर मौजूद नहीं है, समझना, यहाँ साथ का सेट मौजूद है, हमको सिर्फ और सिर्फ साथ को देखना, साथ अकेले कहीं पर मौजूद है तो नहीं मौजूद है, तो ये मेरा सबसेट नहीं है, बस सीखने का प्रयास करना है। यहाँ पर देखो दोनों बगल सेट है, हाँ सेट है, तो यहाँ नो पहले खुद से बनाना है, ऐसा नहीं छापते चल रहे वो काम नहीं करना। तो देखो दोनों सेट है, नो और छ इसके अंदर है क्या? हाँ भैया नो और छ इसके अंदर है, अर्थात ये सब सेट होगा, दोनों तरफ सेट है ठीक। तीन और चार इसके अंदर है, खुला किसी बंद कमरे में नहीं, तीन और चार की मैं बात कर रहा, अगर ऐसा रहता चार भी घेरा होता तीन भी घेरा होता तब हम लोग पूछते ऐसा, लेकिन यहाँ तीन और चार खुला है तो तीन और चार को हम लोग खोजेंगे कहीं पर, ये तो तीन और चार एक सेट के अंदर पैक है, नहीं हमको ओपन चाहिए, तीन और चार कहीं पर नहीं है, अर्थात ये सबसेट नहीं है ओके। सातवां नंबर क्वेश्चन, सबसेट होने के लिए दोनों तरफ सेट होना चाहिए, ये तो सेट है ही नहीं तीन, अर्थात ये सबसेट नहीं होगा। यहाँ पर देखो दोनों बगल सेट है, हाँ अब ये सबसेट हो सकता है, क्या माइनस पांच और पांच इधर मौजूद है? हाँ माइनस पांच और पांच मौजूद है, अर्थात ये सबसेट है, बहुत अच्छे, दोनों तरफ सेट है, इसके अंदर सात है, इधर सात मौजूद है, अर्थात ये सबसेट है, दोनों तरफ सेट नहीं है, इधर सेट नहीं है ना, अर्थात ये सबसेट नहीं है, कम से कम दोनों तरफ सेट होना चाहिए तब जाकर के सबसेट हो सकता है। यहाँ देखो दोनों तरफ सेट है, हाँ भैया तो चार और माइनस चार को देखेंगे हम लोग, चार और माइनस चार को देखेंगे, क्या इसके अंदर है? हाँ चार और माइनस चार है, तो ये सबसेट हो जाएगा और बराबर भी हो सकता। यहाँ देखो तीन और चार, पहले समझो दोनों तरफ सेट है, अब इसके अंदर का एलिमेंट देखेंगे, तीन और चार इसके अंदर है, हाँ तीन और चार है, अर्थात ये सबसेट है, बहुत अच्छा। अब देखो दोनों तरफ सेट है, हाँ सात को आठ इसके अंदर है, भैया आठ है ही नहीं, अर्थात ये सबसेट नहीं है, तीन और चार इधर तो सिर्फ और सिर्फ चार ही है, तीन तो है नहीं, अर्थात ये सबसेट नहीं है, उल्टा हो गया, उल्टा नहीं होना चाहिए। चलो इस तरह हम लोग बनाए, अब हम लोग जो है ये सबसेट का तो बात कर लिया, हम लोग बिलोंग्स टू का बात करेंगे, बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू अच्छे ढंग से समझने का प्रयास करना है, मेरे ख्याल से समझोगे ठीक है, दिमाग को खोल के चलना है। भैया जी क्या बोले, दिमाग को खोल करके, दिमाग खोल देंगे फिर पता क्या होगा, ना पता, सुनिए क्या होगा। देखो बिलोंग्स टू बस यही करता है, ये सारा का सारा एलिमेंट इसके अंदर मौजूद होना चाहिए, क्या आठ इसके अंदर मौजूद है? हाँ मौजूद है, ये बिलोंग्स टू हो गया, क्या ये टर्म इसके अंदर मौजूद है? भैया नहीं मौजूद नहीं है, ये पूरा का पूरा टर्म इसके अंदर है वो देखना है आपको, नहीं है टर्म, एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे टर्म की मैं बात कर रहा हूँ, तो नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ये पूरा का पूरा टर्म इसके अंदर है, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ये पूरा का पूरा टर्म इसके अंदर है, हाँ है तो ये बिलोंग्स टू, belongs to, हम लोग सब does not, ये क्या does not belongs to करना है ना छोटे, belong करके काट देना, ये पूरा का पूरा टर्म इसके अंदर है, नहीं है, ये हमारा does not belongs to हो जाएगा, ये पूरा का पूरा टर्म इसके अंदर है, हाँ है, देख लो पूरा का पूरा टर्म इसके अंदर मौजूद है, अर्थात ये belongs to होगा, ये तीन इसके अंदर मौजूद है, हाँ है, ये मेरा belongs to होगा, ये पूरा का पूरा टर्म नहीं है, ये does not belongs to होगा, ये पूरा का पूरा टर्म नहीं है, मतलब ये does not belongs to होगा, अगेन ये पूरा का पूरा टर्म इसके अंदर है, ये belongs to हो गया, ये पूरा का पूरा टर्म इसके अंदर होना चाहिए, ये पूरा का टर्म इसके अंदर होना चाहिए, तो नहीं है, ये does not belongs to हुआ, ठीक है, ये पूरा का पूरा टर्म इसके अंदर नहीं है, does not belongs to, ये पूरा का पूरा टर्म इसके अंदर नहीं है, does not belongs to, ये पूरा का पूरा टर्म इसके अंदर नहीं है, does not belongs to, बस इतना सा काम करना था। चलो हम लोग 15-16 छह क्वेश्चन और लिख लेते बड़े आराम से, ठीक है, छह क्वेश्चन पर ध्यान देना है, क्वेश्चन को देख करके सर भारी मत करना है, मेरा सारा क्वेश्चन बना हुआ है, सिर्फ छाया मतलब छायांकित करना है, कौन कौन सा एरिया होने वाला, देखो ए डैश कौन सा एरिया होगा, ए डैश मतलब ए को छोड़ करके, मतलब ए को छोड़ के बाकी सब कुछ होने वाला, तो बाकी सब कुछ को घेर देना इस तरह,
अच्छे ढंग से घेर देना है, ठीक है, जैसे आपको अच्छा लगे, डॉट डॉट हो या किसी भी तरह हो, आपको कर देना इस तरह। हो गया, ये मेरा ए डैश हो गया। यहाँ पर ए यूनियन बी का हॉल डैश है, मतलब ए यूनियन बी को छोड़कर बाकी सब कुछ करना है, ए यूनियन बी को छोड़कर बाकी सब कुछ आपको ड्रॉ कर देना है, बस इस तरह करना है, ठीक है, कर लिए। अगर a माइनस बी मतलब a के अंदर से b को हटा देना, जो a का एलिमेंट है ना उसमें से b को हटा देना, ये b हटो, ये b हट जाएगा, बचा कौन, ये बचा सिर्फ, अर्थात इस b को हटा दिए। अगर यहाँ b माइनस है मतलब b में से a को हटा दो, b में से क्या करना, a को हटा देना है, बच कौन गया, सिर्फ ये बचाना, ये फिर बाद में हम डाल देंगे समझने के लिए, हम लोग मिटाए थे। अगर बी डैश की बात कर रहे हैं, बी को छोड़कर बाकी सब कुछ, बी को छोड़ के बाकी सब कुछ, कहीं कोई समस्या तो बोलना है, समझना है, ओके, देखो कहीं कोई समस्या हो तो बोलना है छोटे, बी को छोड़ के बाकी सब कुछ। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश की बात की जा रही है, जो ए डैश है और जो बी डैश है उसमें कौन सा पार्ट आपको दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो भैया बाहर वाला पार्ट कॉमन दिख रहा है, तो बाहर वाला पार्ट को हम लोग कर देंगे, ये सेम टू सेम आपका इसका बन गया, ए यूनियन बी का हॉल डैश का बन गया। ये आपका फॉर्मूला होता है, ए यूनियन बी का होल डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, इस फॉर्मूले को दिमाग में रखना, आगे काम देगा, ठीक है। इतना सा हम लोग 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं, हम लोग अब क्विज करने वाले, ठीक, हम लोग क्विज का क्वेश्चन उतार लेते, ध्यान से आप पढ़ोगे, ध्यान से क्वेश्चन को देखो, पहले क्वेश्चन समझ लो, बाद में ये मत बोलना भैया समझ में ना आया। देखो ए और बी दिया हुआ है, सबका बारी बारी सबको वेन आरेख खींचना, छायांकित करना, मैं एक बताता ध्यान से सुनना, ए यूनियन बी है तो आराम से ऐसे खींच लेंगे, ऊपर में ए यूनियन बी दे देंगे, यहाँ पर यूनिवर्सल सेट, ए खींच लिए बी खींच लिए, ये ए है ये बी है, ए यूनियन बी की बात की जा रही है, ए के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, बी के अंदर चार पांच छह, ठीक है, दोनों में कॉमन कौन सा दिखा, चार दिखा, चार को बीच में रख लो। अब ए यूनियन बी है, बस इसको क्या करना, यहाँ पर लिख लेना ए यूनियन बी के अंदर कौन कौन सा एलिमेंट है, एक है दो है तीन है चार है पांच है और छह, बस ये सब एलिमेंट रहा, इसको घेर देना है, ऐसे से कर दो ना, बस अच्छे से रख देना, पेंसिल मतलब लिखा हुआ अंक मिटे ना, ठीक है, चलो ठीक है, इतना सा काम मैंने बता दिया, गलत बात मुझे बताना नहीं था, चलो बताओ मतलब बनाओ इसको, सातों के सातों क्वेश्चन बनाओ, बनेगा, घबराना नहीं है आपको, ठीक है, अभी तो ये स्टार्ट हुआ है, अब और दिमाग आपका लगने वाला है, ये पूरा का पूरा चैप्टर यहाँ से अब जो है सिर्फ आपके ब्रेन से सोचने, मतलब आपका सोचने का क्षमता क्या है उस आधार पर आप डिसाइड करोगे कि हम जो है इस क्वेश्चन को, मतलब इस चैप्टर में जो आने वाला क्वेश्चन है उनको बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे, सिर्फ इस बात पर निर्भर करता कि आप कितना देर तक कंसंट्रेट कर सकते हो और कितना देर तक जो है एक ही चीज के बारे में सोच सकते हो, बस इस पर डिसाइड करने वाला। तो सोच लो आप कैसे क्या करना है, जैसे हम लोग वहां पर प्रूफ कर रहे थे ना, तो वहां पर आप घबरा गए, वो तो आसान प्रूफ था, आपको समझाने में मुझे भी बहुत ज्यादा समय लगा, लेकिन जब और हम लोग बेहतर क्वेश्चन करेंगे ना, तो वहां पर आपको पहले से ये चीज समझना होगा, उस प्रूफ को याद कर लेना, जितना हम लोग फॉर्मूला देखे सबको याद कर लेना है, आपको आगे काम देगा, ज्यादा नहीं अगर आप मेहनत करोगे, ये चैप्टर ज्यादा लंबा नहीं है और आसान है, पहली बार आपके सामने आ रहा है तो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है आपको, अब जब आप चार पांच चार बना लोगे ना तो ये बहुत आसान हो जाएगा, इसलिए घबराना नहीं है आपको। चलो ठीक, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।